आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व इनपुट और आउटपुट निवेशी और निर्गत और वो क्या बताते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक रहेगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कैरेक्टरिस्टिक का। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन तो पिछली बार हमने पढ़ा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए और फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। और पीएनपी ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए सर्किट डायग्राम टू ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो जैसे हमने पहले बनाया था कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से बनाना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। सबसे पहले इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएंगे और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बनाना है तो हमें एमिटर को नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। ये तो हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल। नीचे की तरफ एमिटर है और एमिटर पर एरो होता है एमिटर से बेस की तरफ। इसको तो हम कॉमन करना है हमें, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों में देना है। जो बेस है हम जानते हैं कि बेस करंट बहुत कम होती है। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो एमिटर से बेस की तरफ है तो बेस से बाहर निकलेगी, यानी आई बी बाहर की तरफ निकलेगी। और इसको मेजर करने के लिए हमें एक माइक्रो एमिटर लगाना पड़ेगा क्योंकि बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें बैटरी जो हम लगाएंगे बैटरी उसका हमें बैटरी का पॉजिटिव एमिटर से कनेक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव जो कनेक्ट करना पड़ेगा वो बैटरी के वो हमें बेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी बैटरी हमें दिखानी पड़ेगी इधर लेफ्ट हैंड साइड में विथ पोटेंशियल डिवाइडर। ये बैटरी कहलाएगी वी बी बी और पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे इसको बेस से। जो एमिटर बेस के बीच में वोल्टेज लग रही है उसको मेजर किया जाएगा एक वोल्ट मीटर से जो हमें रीडिंग देगा वी ई बी की।
कलेक्टर करंट को मेजर करने के लिए एक मिलीमीटर, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना होता है, यहां पर हम बैटरी इस तरीके से लगाएंगे कि जो कलेक्टर है वो रिवर्स बायस हो जाए। बैटरी हो गई वीसीसी और कलेक्टर पे जितना पोटेंशियल जा रहा है उसे मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो हमें रीडिंग देगा वी सी ई या वी ई सी की। ये हो गया सर्किट डायग्राम जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकाल सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। पहले लेते हैं हम फर्स्ट लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो जैसे हमें पता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में होगा, यहाँ पे इनपुट करंट है आई वी वर्सेस वी ई वी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है और जबकि हमें कांस्टेंट रखनी है आउटपुट वोल्टेज वी सी ई। कैसे करेंगे इसके लिए वीसीई के नियत मान पर वीईवी का मान शून्य से बढ़ाकर संगत आई वी का मान ज्ञात करके कर्व ड्रॉ करते हैं। जो चित्रानुसार प्राप्त होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व इनपुट का कैसा आएगा। वाई एक्सिस पे तो हमें आई बी लेना है और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे तो हमें आई वी लेना है जिसकी रीडिंग आएगी माइक्रो एम्पियर में और एक्स एक्सिस पे वी ई वी। तो अब वी सी ई के अलग अलग मानों के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। पहले मान लेते हैं वी सी का मान लिया हमने एक वोल्ट या दो वोल्ट कुछ भी ले लेते हैं। तो उसका ग्राफ
ये मान लेते हैं हमने VC इज इक्वल टू ले लिया 1 वोल्ट, इस पे ग्राफ ये आ गया, और फिर हमने ले लिया VC की वैल्यू बढ़ा दी, तो ग्राफ इस तरीके से ये हो गया VCE इज इक्वल टू सपोज 10 वोल्ट। ब्लैक वाला जो आया ये तो आया 10 वोल्ट के लिए, और ब्लू वाला जो आया वो आया, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा अलग अलग। टेन वोल्ट के लिए। तो अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है? नंबर वन, सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है IV का मान VCE VCE बढ़ने पर घट जाता है, क्योंकि जब हमने कलेक्टर एमिटर के बीच में वोल्टेज बढ़ा देंगे तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी और जो बेस करंट है वो घट जाएगी, अर्थात IC बढ़ेगी वे IV घटेगी। कैसे पता चला इसमें हमें कि हमने एक कांस्टेंट VEV के लिए लाइन ड्रॉ करी, तो ये देखते हैं IV की वैल्यू जब VCE का मान कम है तब तो IV की वैल्यू ज्यादा है, और जब VCE की वैल्यू ज्यादा है तो IV की वैल्यू कम होगी। पहला रिजल्ट तो हमें ये पता लगा। दूसरा, ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो निवेशी प्रतिरोध है RIN इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करस्पॉन्डिंग इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या होगी, 1/स्लोप। तो यहां स्लोप का मान कम है, हाँ यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ ढाल या स्लोप अधिक है, अतः RIN कम होगा। तो RIN की वैल्यू कम होगी, निकालेंगे कैसे ग्राफ से कि अब मान लीजिए हमें VC की कांस्टेंट वैल्यू सपोज 10 वोल्ट पे निकाल रहे हैं तो
वीसी के ग्राफ पर कोई से भी दो पॉइंट लेकर वहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा आई वी, और एक्स एक्सिस पे हमें मिल जाएगा डेल्टा वी ई वी, और इन दोनों के रेशियो से हमें मिल जाएगा आर इन। तो स्लोप ज्यादा है अतः आर इन का मान कम होगा। वोल्टेज वी सी की वैल्यू चेंज करने पर आर इन के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, आई वी का मान VEV के साथ तेजी से बढ़ता है जैसे कि डायोड में, तो इस प्रकार से ये तीन रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से कॉमन एमिटर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। अब देखते हैं हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी आउटपुट करंट, अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो आउटपुट करंट हो गई आईसी वर्सेस आउटपुट वोल्टेज वीसीई, और कांस्टेंट अब हमें रखना है इनपुट करंट दैट इज आईबी। तो अब हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचने हैं उसी सर्किट डायग्राम से जो हमने पहले बनाया था। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि परिपथ में IB बराबर 0 रखकर VCE का मान 0 से बढ़ाकर संगत आईसी ज्ञात करते हैं। वह फिर आईबी के अलग अलग नियत मानों के लिए उपरोक्त आईसी व वीसीई ज्ञात करके चित्रानुसार वक्र प्राप्त करते हैं। इनसे पता चलता है कि पहले हम कर्व देख रहे थे कि किस प्रकार के हमें कर्व प्राप्त होंगे।
वाई एक्सिस पे है आउटपुट करंट आईसी और एक्स एक्सिस पे है आउटपुट वोल्टेज वीसीई। आईबी की वैल्यू जीरो पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर आईबी की वैल्यू बदल बदल कर ग्राफ प्लॉट करेंगे। आईबी की वैल्यू जीरो पर जो ग्राफ आता है लगभग इस प्रकार से, लगभग इस प्रकार से कर्व आते हैं। ये हो गया आईबी की वैल्यू जीरो पर, ये आईबी की कोई और बड़ी वैल्यू, आईबी की यूनिट है यहाँ पर माइक्रो एम्पियर, ये ध्यान रखिएगा आईबी है माइक्रो एम्पियर में, और आईसी जो है वो है मिली एम्पियर में। पहले हमने आईबी की वैल्यू जीरो ले ली, सपोज ये आईबी की वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर है, फिर आईबी की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर है, कुछ और भी आप ले सकते हैं, सबसे नीचे जीरो वाला है उसके ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है आईबी की वैल्यू। अब इस कर्व से हमें क्या क्या पता लगता है। नंबर वन, आईसी का मान वीसीई के साथ शुरू में तेजी से बढ़ता है, वह फिर लगभग कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो पता लगता है कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, निर्गत प्रतिरोध RO इज इक्वल टू डेल्टा VCE ओवर डेल्टा IC एट कांस्टेंट I इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप यहां ढाल कम है, अतः आरओ का मान काफी अधिक होगा। निकालेंगे कैसे, हमें क्या करना है, कांस्टेंट आईबी के लिए जैसे हमने मान लीजिए आईबी 25 पे निकाल देंगे तो दो पॉइंट ले लेंगे, एक जहां से कांस्टेंट होना शुरू हुआ है और एक उसके बाद का कोई पॉइंट। वहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
वाई एक्सिस पे तो हमें डेल्टा आई सी मिल जाएगा और एक्स एक्सिस से हमें डेल्टा वी सी ई मिल जाएगा। और जिनकी रेशियो से हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ आर ओ का मान यानी निर्गत प्रतिरोध का मान एक से काफी अधिक होगा। थर्ड पॉइंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। करंट गेन या धारा लाभ इसको यहाँ पे हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब आईसी का मान तो मिली एम्पियर में है, आईबी का मान माइक्रो एम्पियर में है, ये वैल्यू मोर देन वन आएगी क्योंकि आईसी है मिली एम्पियर में, डेल्टा आईसी इज इन मिली एम्पियर एंड डेल्टा आई बी इज इन माइक्रो एम्पियर। सो जो करंट गेन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वो एक से ज्यादा होता है। कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट वीसी के लिए एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे अब ये आई बी इज इक्वल टू 50 को कट कर रही है यहां पर और आई बी इज इक्वल टू 75 को कट कर रही है यहां पर। तो वाई एक्सिस से तो हमें मिल जाएगा डेल्टा आई सी और आई बी की वैल्यू 75 माइनस आई बी की वैल्यू 50 माइक्रो एम। इन दोनों से मिल जाएगा हमें डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी, इससे हम निकाल सकते हैं बीटा धारा लाभ या करंट। तो इस प्रकार से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो था आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए पूछा जाता है तो केवल आपको सर्किट दूसरा बनाना है, बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, जो थ्योरी है वो ऐसी रहेंगी, ग्राफ भी ऐसे ही रहेंगे। तो हम केवल बात करेंगे यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व कर्व कॉमन एमिटर में ज्ञात करने के लिए परिपथ। किस प्रकार से बनाएंगे? इस सिंबल चेंज होगा जो पहले बनाया था और इसके अलावा सेल्स की पोलैरिटी चेंज होगी, बाकी थ्योरी और सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लें। कॉमन एमिटर बनाना है तो एमिटर को नीचे की तरफ एरो बाहर की तरफ
लेफ्ट में बेस का सर्किट और राइट में कलेक्टर का सर्किट। एमिटर करंट क्योंकि बाहर की तरफ जा रही है तो आपके बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर की तरफ होगी, तो आई बी अंदर की तरफ, आई ई बाहर की तरफ और आई सी अंदर की तरफ होगी। बेस करंट को मेजर करने के लिए एक माइक्रो एमीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और कलेक्टर करंट को मेजर करने के लिए एक मिली एमीटर, कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस करना है, एमीटर जो है ये आपका कॉमन है और एमिटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमने यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दी, बैटरी इधर लगी हुई थी वी बी बी, तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी और कनेक्ट कर दिया इसको एमीटर से और पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया बेस से। कितनी वोल्टेज दे रहे हैं उसे मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर यूज करेंगे जो हमें बताएगा वी ई वी की वैल्यू। राइट हैंड साइड के सर्किट में कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस करना है, कलेक्टर है एन टाइप का तो इसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, बैटरी कहलाती है यहां पर वी सी सी। और कलेक्टर पे कितनी वोल्टेज दे रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर ये मेजर करेगा वी सी ई। VCE के बाद इसकी हमने पोलैरिटी दिखा दी प्लस माइनस। ये बन गया सर्किट डायग्राम टू ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। हम जानते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, तथा किसी भी ट्रांजिस्टर में हमें पता है कि जो एमिटर करंट होती है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसलिए डेल्टा आई ई का मान डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी के बराबर होना चाहिए। ये समीकरण एक, बीटा की वैल्यू समीकरण दो और डेल्टा आई वाली समीकरण नंबर तीन। तो अब हमें रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा में, यानी कि हमें आई सी आई बी की वैल्यू में रिलेशन निकालना है समीकरण दो से। बीटा
बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी। डेल्टा आई बी का मान समीकरण तीन से रखेंगे, दो तीन से रख देंगे, तो डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी की वैल्यू समीकरण तीन से हो जाएगी डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे हम डेल्टा आई ई से, डेल्टा आई ई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई। तो ऊपर डेल्टा आई सी और डेल्टा आई समीकरण एक की हेल्प से अल्फा और वन माइनस अल्फा, इसलिए हमें मिल गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा। तो एक तो फॉर्म ये आ गई इसकी रिलेशन की, अलग अलग फॉर्म में पूछ लेते हैं। या इसी से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा और बीटा इज इक्वल टू वन प्लस, इधर चला जाएगा अल्फा कॉमन आ जाएगा बीटा अल्फा, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर वन प्लस बीटा, ये वैल्यू आ गई। कभी कभी इसको तीसरे रूप में भी पूछ लेते हैं, या वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस बीटा ओवर वन प्लस बीटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो वन प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा वन माइनस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन। इस प्रकार से अल्फा और बीटा में ये रिलेशन होते हैं। हम अल्फा और बीटा में रिलेशन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ नोट्स जो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कॉमन बेस में और आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में कंपेयर करेंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में कंपेयर करेंगे। पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन कॉमन बेस कॉमन एमिटर। तो कॉमन बेस और कॉमन एमिटर की बात करें अगर हम, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनपुट की। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में से हम निकालते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो कॉमन बेस की जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी आर इन, उसकी वैल्यू कम होगी कॉमन एमिटर की इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ ज्यादा होती है कॉमन एमिटर की आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉमन बेस में आर इन जो होती है वो तो मिनिमम होती है और आर ओ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और कॉमन कलेक्टर अगर निकालें उसकी वैल्यू आर इन की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, यानी कि मॉडरेट। ये मैक्सिमम अगर हम तीनों में कंपेयर कर रहे हैं तो,
और ये एक ये आर ओ इसकी हो गई मैक्सिमम, और ये तो कॉमन कलेक्टर की जो इनपुट और रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दोनों के बीच की होती है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज जो होता है वो होता है इंपीडेंस मैचिंग के लिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो यूज होता है यूज फॉर इंपीडेंस मैचिंग, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो यूज होता है वो वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। और ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर तीनों के रूप में यूज होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अब हम अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।